श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 30वें श्लोक से पढ़ेंगे। दुग्धौषधो पदार्थौस्तः परस्पर विलक्षण दुर्ब्रह्म दृश्यम माया स्याद् इति वेदांत डिंडिमः। अविद्योपाधिको जीवः मायोपाधिक ईश्वरः माया विद्या गुणातीतम् ब्रह्म वेदांत डिंडिमः। साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकं तत्त्वं तद्ब्रह्म परं ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः। द्विजत्वं विद्यनुष्ठानात् विप्रत्वं वेदपाठतः ब्रह्मण्यं ब्रह्मविज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। मनुश्रुति में एक श्लोक आता है, वहाँ कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो यह जो चार स्थितियां है हमारे जीवन की, देखो भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म इनके विभाग के अनुसार मैंने मनुष्य के या पृथ्वी में जो भी है सबके ये चार भाग किए हैं, वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण करने का तात्पर्य किसी को अच्छा बुरा कहना नहीं होता। जैसे प्राणी ले लो, तो प्राणियों में जिनको पीठ की हड्डी है जिनको नहीं है दो भाग किए। अब जो वर्टेब्रेट्स है उनके फिर आगे जाकर के क्लासिफिकेशन किया है कि कोई है मैमल्स जरायुज अंडज स्वेदज। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं होता। ये बहुत बड़ा डाटा को स्टडी करना है तो उसको क्लासिफाई करते हैं, देखो तब पूरा ज्ञान हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने मनुष्य को चार भागों में वर्गीकृत किया है। तो तीन गुणों के चार भाग बने, गुण फिर कर्म विभाग शाह। तो गुण क्या है? जो सत्व गुण प्रधान होगा उसको ब्राह्मण कहेंगे, और जो रजोगुण प्रधान होकर के सत्व का आधार लेगा उसको क्षत्रिय कहेंगे। जो रजोगुण में प्रधानता रखते हुए तमोगुण का आधार लेगा और सत्व को कम करेगा उसको वैश्य कहेंगे। और जो आलसी है तमोगुण प्रधान जिनमें सत्व का नामो निशान नहीं है और रजोगुण भी आया तो आया नहीं तो नहीं, ऐसे उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाषा में दी है। शूद्र माने जो हर चीज़ को लेकर रोता है उसको शूद्र कहते हैं। रोने वाले शूद्र है, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हम सबके लिए नालायक है लेकिन हमको बड़ा बना दो, शूद्र विचार। तो ये जो चार है ये गुणों के अनुसार। अब कर्म के अनुसार जो बौद्धिक कर्म करने में लगा है उसको ब्राह्मण कहेंगे, जो शारीरिक कर्म करने में लगा है सबके लिए जिसमें स्वार्थ का लेश कम है उनको क्षत्रिय कहेंगे, और जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के बहुत कर्म करते हैं उनको वैश्य कहेंगे,
और जो कुछ करते ही नहीं फ्री सब चाहिए वो हो गए शूद्र। गुण कर्म विभागशः ये चार वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ यही बात बताते हैं, जन्मना जायते शूद्रः, हम सभी के सभी जन्म से शूद्र होते हैं, क्योंकि हर बार रोते हैं, जरा कुछ चाहते ही नहीं, भूख लगी तो रो, ठंड लगी तो रो, गर्मी हो गई तो रो दो। इसीलिए जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, हमारे शास्त्र में षोडश संस्कार बताए हैं, उसमें नामकरण भी एक संस्कार है। तो ये जब संस्कार हो गए तो द्विज, ज माने जन्म, द्वि माने दूसरी बार, तो पहला जन्म होता है माँ के कोख से, उस समय हम शूद्र है, फिर हम पर संस्कार हो गए, यज्ञोपवीत हो गया, हम जानते हैं कि बड़ों से बात कैसी करनी है और किस प्रकार से रहना है, कैसे खाना खाना है, दोनों हाथ से लेकर के तोड़ ताड़ के नहीं, एक हाथ से खाना है। देखो ये सब जो छोटी मोटी बातें हैं, ये बताने से, संस्कारों से व्यक्ति को कहते हैं द्विज, दूसरे बार जन्म हुआ। फिर तीसरी बात आ जाती है विप्र, वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, यहाँ भी वही बात कही है, विप्रत्वम वेद पाठतः, तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों का माने शास्त्रों का अध्ययन, तो फिर हम जाकर के गुरुकुल में गए और वहाँ जाकर के अपना संस्कृत पढ़े, व्याकरण पढ़े और वेदांत पढ़े, कर्मकांड, उपासना, वो हो गए विप्र। और फिर ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानार्थ, इन्होंने सब करने के बाद, ये सब का तात्पर्य किस में है, हम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हैं। तो हम सबको ये चार स्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये चार स्थितियाँ हमारे हर एक में उपलब्ध है। हमारा जो सर है वो ब्राह्मण है, हमारे जो हाथ है ये क्षत्रिय है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वैश्य है, इकट्ठा करते रहो करते रहो, और जो हमारे पैर है वो शूद्र है। इस प्रकार से हमारा शरीर भी चार भागों में बांटा गया है। तो यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, यह जाति नहीं है, यह वर्ण है। गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने ये नहीं कहा कि चार जातियाँ मैंने निर्माण करी है। वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा किसी का वर्णन हो सकता है उसको वर्ण कहते हैं। जाति हो गई मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति, जाति आकार को कहते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण है। तो इस प्रकार से ये चार चीज़ों को हमको जान लेना है और सब की आवश्यकता है। तो हम पैदा हो गए, हम शूद्र है, द्विजतम विद्य अनुष्ठानार्थ, अब हमको अनुष्ठान करना है जीवन में। बिना अनुष्ठान के कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती, ध्यान से सुनना। हम आपको बताते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं आपके जैसे, आपने इतना व्याकरण का अध्ययन किया है, वेदांत का किया है और जा कर के सब किया है, हमने कुछ नहीं किया। तो अब क्या करें, कैसे करें, तो हमको हमारे कन्हैया लाल गाइड करते हैं। हमने पंचदशी का अभ्यास कभी नहीं किया था, तो जब दिल्ली में थे तो वहाँ के एक दो सज्जनों ने हमको कहा कि स्वामी जी, हमने ये उपनिषद गीता बहुत सुन ली है, तुम उधर बैठ जाओ थोड़ा सरक करके और हो जाओ। हाँ, तुम ऐसा करते मेरी गर्दन दुखती है, छिपो मत। हाँ, तो बोले स्वामी जी, आप हमको पंचदशी पढ़ा, और हमने जिंदगी में पंचदशी किसको कहते मालूम ही नहीं, हमको एकादशी मालूम है, पंचदशी तो मालूम थी नहीं। हमने कहा ठीक है पढ़ाएंगे, और हमारे दिमाग में शुरू हो गया, हे कन्हैया लाल यार, ये पंचदशी क्या भला है, बाबा जी तो बन गए, अब क्या पढ़ाओगे। और हमने हमारे कन्हैया लाल की बड़ी सिंसियरली प्रार्थना करी, एक हमको पंजाबी महात्मा मिले दिल्ली में ही, दूसरे ही दिन पता नहीं कहाँ से टपके और आकर के हमको कहते कि बूढ़े थे और उस समय हम जवान थे, बहुत जवान थे, तो उन्होंने हमको, तुम क्या करते हो, हमने कहा कुछ नहीं करते, तो कुछ अध्यापन कराते हो क्या, है ना, कराते किसका, हमने गीता, बोले गीता बहुत हो गई और कुछ करो, और क्या करो, तुम पंचदशी पढ़ाओ।
हमने कहा मैंने जिंदगी में पंचदशी देखी भी नहीं, पढ़ने का सवाल ही नहीं, मैं तुमको देता हूँ। उन्होंने अपने झोले से एक पंचदशी की हिंदी पुस्तक निकाली, फटी पुरानी थी, बोले इसको पढ़ो। और उसको लेकर के हमने अपने भगवान का नाम लेकर के शुरू कर दिया। धीरे 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 सब गाठे इति वेदांत डिंडिमा धीरे धीरे खुलने लग गई। और ये कैसा हुआ, अनुष्ठानात। फिर हमने उसको छोड़ा नहीं, हमने कहा कि अब ये इसका शुरू किया है ना, तो पूरे 15 के 15 अध्याय हमको पढ़ने हैं, समझने हैं। और पंचदशी की जो संस्कृत भाषा है बहुत क्लिष्ट है, एकदम सरल समझ में नहीं आती, घुमा फिरा करके। शंकराचार्य का ले लो या वेदव्यास जी का ले लो, उनका लिखान इतना सरल है, उसमें लय है, इनके इसमें वैसा नहीं है। तो ऐसा करते करते पूरे के पूरे 15 अध्याय हो गए, उसके कम से कम 250-300 लेक्चर हो गए थे हमारे दिल्ली में। ये इसको कहते अनुष्ठान। तो जीवन में कुछ भी करना है अनुष्ठान ले लो। समझो आपको रामचरितमानस का अध्ययन करना है तो अनुष्ठान ले लो, रोज 1 घंटा रामचरितमानस का पाठ करेंगे। देखो उसी प्रकार से हमको कई लोग पूछ रहे थे कि स्वामी जी ये कोरोना में डर लगता है क्या करें। हमने कहा आप राम रक्षा का पाठ शुरू कर दो। बोले हमको तो आता नहीं। हमने कहा यूट्यूब पर है, हमने उनको लिंक भेज दी। बोले ये तो संस्कृत में, हमने ना भगवान को संस्कृत समझ में आती है, तुम भी कर मत करो, क्योंकि तुमको प्रार्थना करनी है, समझना भगवान को है, तुमको नहीं समझना, तो डोंट वरी स्टार्ट। देखो हमारे दिमाग में क्या है, कैसे अवॉइड करें ये दिमाग में आता है। अनुष्ठान करो कुछ भी करने के लिए अनुष्ठान। देखो हमारा ये आपके यहाँ जो आना है ना, ये हमारे लिए अनुष्ठान है। सुबह शाम हमारा सत्संग होता है, सुबह में अंग्रेजी में मारते हैं, शाम को हिंदी में, वो अनुष्ठान है। अब यदि हमने ये अनुष्ठान ले लिया है, अपने आप जीवन में डिसिप्लिन आ जाती है। जिसका जीवन डिसिप्लिन होता है वही साधक है, नहीं तो पड़े हैं जो भगवान की इच्छा होगी। साधु संतों में और हम लोगों में क्या फर्क है, यही है। साधु संत अपने जीवन को भगवान के नाम पर छोड़ देते हैं और साधना स्वयं करते हैं, और हम लोग साधना भगवान के नाम पर छोड़ देते हैं और जीवन अपना जीते हैं। देखो महाराज, जीवन अनुष्ठानमय होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, नहा धो करके यो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, भगवान के नाम का जप लेना, किसी का पाठ करना है तो पाठ करना, इसके द्वारा मनुष्य के जीवन में डिसिप्लिन आ जाती है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए द्विजत्वम विद्या अनुष्ठान, फिर विप्रत्वम वेद पाठतः। तो अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में एक इतनी सुंदर डिसिप्लिन आ जाती है। कैसी, आपने कहीं देखा होगा, एक बार हम कहीं थे तो ऐसे ही सत्संग के लिए सब लगा हुआ था। एक सज्जन आए, हम देख रहे थे जैसे यहाँ भी देखते हैं, हम बैठे देख रहे थे। वो आए और उन्होंने इसको जो आप बिछाइत करी थी उसको ठीक से कर दिया, उनको किसी ने कहा नहीं था, ठीक से कर दिया। तो मैं देख रहा था कि वो ठीक से नहीं थी, टेढ़ी हुई थी, कहीं सलवटे थी। और ये जो सज्जन आए, इन्होंने किसी को कहा नहीं और किसी ने इनको नहीं कहा, आकर के देखे गलत है तो धीरे से सीधा कर दिए और बैठ गए। मनुष्य के जीवन में जब ये बातें आ जाती है ना, तब उसका जीवन सुंदर होता है। सोने के बाद उठेंगे तो जो अपना बिस्तर है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर सब पड़ा हुआ है, मुर्दों का पड़े हुए है। देखो कपड़े ऐसे लटके खूंटी पर, अरे कोई मुझे उठाओ धुलाओ, बहुत दिनों से नहीं धुले। जीवन में सौंदर्य होना चाहिए, तब जीवन का आनंद है। देखो नहीं तो कई लोगों का ये चक्कर होता है, बाबा जी माने शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। नहीं, देखो ये बहुत महत्व की बात है। तब जा करके द्विजत्व, हम दूसरे बार जन्म लिए, पहले माँ के खोख से जन्म लिए, दूसरा जन्म क्या है, अब हम साधक बन गए।
साधक कौन है? जो सावधान रहता है वो साधक है। तो द्विजत्वम विद्या अनुष्ठानार विप्रत्वम वेद पाठतः, तो जगत में कैसा रहना है एक आदर्श व्यक्ति के जैसा, इसके द्वारा हमारा दूसरा जन्म होता है। फिर विप्रत्वम वेद पाठतः, फिर हम लोग इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो अपने जो नियम के पाठ होते हैं उनको करना ही है। देखो पुरुष सूक्त का पाठ करना है समझो, या तो चमकम नमकम, नहीं तो रुद्री, इसका नित्य निरंतर पाठ करने से बहुत जीवन में परिवर्तन आता है। विप्रत्वम वेद पाठतः, अब ये करते करते दो बातें हो जाएगी, कर्म से अंतकरण शुद्ध होगा और उपासना से मन एकाग्र होगा। शुद्ध और एकाग्र मन में तत्व जिज्ञासा स्वाभाविक जागृत हो जाती है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। देखो तो जब तक के हमारे अंतकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक के हम अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं सकते। अभी हम सुबह का सत्संग जो हुआ था हमारा अंग्रेजी वाला, उसमें उद्दालक मुनि की कहानी थी, उसमें एक दो बातें हमको बहुत अच्छी लगी। उद्दालक मुनि ने क्या साधना करी भगवान राम को वशिष्ठ जी ने बताया था, बहुत ही सुंदर है। पहले तो उन्होंने ये चिंतन किया कि ये जो करता हूँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं कौन है? हाथ तो नहीं कहता मैं, पैर भी नहीं कहते मैं, हड्डी भी नहीं कहती मैं, कान भी नहीं कहती कि मैं सुन रहा हूँ, आंखें भी नहीं कहती कि मैं देख रहा हूँ, कौन है ये मैं? उनका चिंतन शुरू हो गया। फिर उनको समझ में आया या तो मैं सब जगह है या कहीं नहीं है, चिंतन शुरू हो गया उनका। और फिर जिसको जिसको मैं स्वीकार नहीं किया उसको त्याग करना शुरू कर दिया कि मैं शरीर मैं नहीं हो सकता, कभी भी शरीर नहीं कहता कि मैं। देखो फिर उन्होंने इंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का धीरे धीरे त्याग करना शुरू कर दिया और शांत होकर के अब चिंतन करने लग गए, अब फिर मैं कौन हो सकता हूँ? तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी मैं हूं। तो ये जो निरुपाधिक निर्विशेष मैं है यही उपाधियों के साथ जुड़ करके अनेक बन जाता है, कितनी बड़ी बात है। ये उनको समझ में आने के बाद फिर उन्होंने बड़ा ध्यान का अभ्यास किया और फिर दो शब्द आते हैं वहां, एक है चित सामान्य और दूसरा है सत्य सामान्य सत्ता और सामान्य चित, दो बातें आती है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समेट लिया और उसके बाद ध्यान से सुनना, जब हमारा द्वैत का व्यवहार चलता है तब मन काम करता है, तो आपका मन मेरा मन अलग अलग है, लेकिन जब सो जाते हैं गहरी नींद में तो हमारा ये जो वैयक्तिक मन है ये वैयक्तिक मन समष्टि मन में एक हो गया और ये हमारा सबका अनुभव होता है सुषुप्ति अवस्था में। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, लेकिन वहाँ मन जरूर है लेकिन वो मन वैयक्तिक नहीं है, सामान्य मन है। इस सामान्य मन को ही चेतना कहते हैं, चेतना सबके लिए सामान्य है। तो उन्होंने इस प्रकार से चिंतन करके इस सामान्य ज्ञान में सामान्य चित्त स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया। और ये प्रतिष्ठित करने के लिए साधना क्या है? अभाव का अनुभव करो, जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है। देखो माने जो भाव अभाव के परे है, कठोपनिषद की श्रुति अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसीदति, अंतिम में जाकर के कठोपनिषद में यही आता है। पहले तो ये आता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वदिष्यतः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अब फिर क्या ब्रह्म है वो?
अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसिद्धति। केवल सत्ता मात्र, अपना होना मात्र, देखो होना और किसका होना इसमें फर्क है, जानना और किसको जानना इसमें फर्क है। देखो ज्ञान और वस्तु का ज्ञान, तो इन्होंने इस प्रकार से धीरे धीरे सबका त्याग करके अभाव के चिंतन में लग गए। तो अभाव के चिंतन में लगते लगते उनको पता चला कि जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भावाभाव के परे है। फिर वहाँ जा कर के शांत रहे, कई सालों तक वो इस निर्विकल्प समाधि में रहे, और जैसे इनका अभ्यास दृढ़ और सूक्ष्म होता गया तो उनका उनकी जो वैयक्तिक चेतना थी वो सार्वभौम हो गई, सब में मिल गई। जैसे एक पानी का बूंद बारिश में जब पड़ता है समुद्र पर तो मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, केवल पानी मात्र। इन चीज़ों को समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, लहर जो है समुद्र की, उसका अपना अस्तित्व है, नाम है, रूप है, जन्म है, मृत्यु है, एक दूसरे के साथ झगड़ा है, लेकिन यही लहरों को देखने की समुद्र की दृष्टि क्या होगी? समुद्र को कहो कि भैया तुम्हारी लहरें बड़ी परेशान करती है, वो क्या कहेगा? माफ़ करना महात्मा जी, लहर किसको कहते हैं? देखो आँखों को कभी नहीं देख सकती, ट्राई करो, समुद्र लहर क्या है कभी नहीं जान सकता। सूर्य के पास अंधकार गया, सूर्य के पास नहीं, भगवान के पास अंधकार गया और कहने लगा, ब्रह्मा जी देखो ये सूर्य जब आता है ना तो मुझे भगा देता है, आप कुछ करो। भगवान ने कहा अच्छी बात है, बुलाओ, सूर्य को बुलाया तो अंधकार भाग गया। डांटा, तुम क्यों ऐसा अंधकार को परेशान करते हो? बोले महाराज माफ़ करना, अंधकार किसको कहते हैं? सूर्य को अंधकार पता ही नहीं चल सकता। देखो संतो, तो जब हम व्यक्तित्व का त्याग करके अभिव्यक्ति में पहुँचे, माने ये मैं कौन है, देह में प्रकट होने वाला मैं है कि जिसमें देह प्रकट हो गया है वो मैं है, तो जीवन के दृष्टि से, चेतना के दृष्टि से हम सब एक है, कोई फर्क नहीं। चेतना की अभिव्यक्ति हर एक प्राणी में सामान्य है। इसको एक उदाहरण से समझ लो। एक बार की बात है, हमारी दिल्ली की बात है, बारिश के दिन थे, हम ऐसे बाहर बैठे थे शाम के समय में और चाय पी रहे थे, और ऐसे ही ट्यूबलाइट बाहर लगे हुए थे हमारे मित्र के घर में बरामदे में, हमको बारिश देखने में बड़ा आनंद आ रहा था। ऊपर देखा तो कीड़े इकट्ठे हो गए थे, तो कीड़ों को खाने के लिए छोटी चिपकली सी आ गई डिनर के लिए, और जैसे वो आ गई और अपनी प्रार्थना कर रही थी, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम, उतने में उधर से एक बड़ी चिपकली आ गई और छोटी चिपकली पर धावा बोल दिया, तो छोटी चिपकली एकदम वहाँ से भाग गई और भागते भागते नीचे गिर गई, और नीचे कहाँ गिरी? मेरे हाथ पर गिरी, तो फिर मैं भागा। अब देखो भागम भाग, जो कीड़े के खाने के लिए छोटी चिपकली दौड़ रही थी तो कीड़े भाग रहे थे, छोटी चिपकली को खाने के लिए बड़ी चिपकली दौड़ रही थी तो छोटी चिपकली भाग गई थी, और छोटी चिपकली मुझ पर पड़ी तो मैं भाग गया। देखो महाराज, जीवन की अभिव्यक्ति सामान्य होती है। इस सामान्य जीवन की अभिव्यक्ति को उद्दालक मुनि ने प्राप्त कर लिया अभ्यास के द्वारा। देखो तो वैयक्तिक मैं, उससे निकल करके हम सार्वभौम मैं पर आ गए, माने लहर से हट करके समुद्र में पहुंच गए। अब वही अंत नहीं है, अब इस जो सामान्य चित्त है
इससे आगे जा करके सामान्य सत्ता में हमको पहुंचना है, क्योंकि सामान्य चित्त में रहेंगे तब तक के जड़ चेतन का भेद रहेगा। देखो हमको जड़ चेतन के परे जाना है, तो फिर वहां से निकले उद्दालक मुनि और उन्होंने ये बहुत अभ्यास किया। अन्य है ही नहीं, अन्य है ही नहीं, और इसीलिए अभाव का अभ्यास। और जैसे जैसे उनका अभ्यास सूक्ष्म हो गया, ध्यान से सुनना, तो समुद्र का पानी हो गया। तो पानी, समुद्र और लहरें दोनों का आधार है। समुद्र निर्विशेष, लहर विशेष, और पानी दोनों का आधार होते हुए भी दोनों के परे, यह है सामान्य सत्ता। तो जो सामान्य चित्त है, सामान्य संवित, उसको कहे जीवन, और जो सामान्य सत्ता है वो एकमेवा द्वितीय, इसको कहते हैं यहां ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानात्। तो ब्रह्म के दृष्टि से जड़ चेतन का भेद नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रह्म की उपाधि पर दो प्रकार की उपाधियां, एक ही ब्रह्म पर दो प्रकार की उपाधियां चढ़ी। एक उपाधि ऐसी है जिसमें ब्रह्म का चेतना के रूप में प्रकटीकरण नहीं हो सकता, और दूसरी उपाधि ऐसी है जिसमें ब्रह्म का चेतन के रूप में अभिव्यक्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए आप दीवार के सामने खड़े रहो तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब दिखेगा। इसमें हमारे चेहरे का कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है उपाधि का। एक उपाधि में प्रतिबिंब दिखता है, दूसरे में नहीं दिखता। इसी प्रकार से एक उपाधि में परमात्मा, ब्रह्म, भगवान चेतना के रूप में प्रकट हो सकते हैं, और दूसरी उपाधि में परमात्मा भगवान चेतना के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकते, और इसके कारण एक ही ब्रह्म के जड़ चेतन के रूप में दो अभिव्यक्तियां हो गई। और इसीलिए ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानात्, जिसने इस ब्रह्म को पहचान लिया है उसके लिए यह जड़ चेतन का भेद कोई मायने नहीं रखता। देखो महाराज, ये मजा है, ये आनंद है। अच्छा, आगे चलते हैं, 34वां श्लोक। सर्वात्मना स्थितं ब्रह्म, सर्वं ब्रह्मात्मना स्थितं, न कार्यं कारणाद् भिन्नम् इति वेदान्तडिण्डिमः। ब्रह्म सर्वात्मना स्थितं, ब्रह्म ही सबके आत्मा है, जड़ हो या चेतन हो। और सर्वं ब्रह्मात्मना स्थितं, और सबका सब ब्रह्म में ही है। ये वाक्य कैसा हो गया मालूम है? समुद्र यह कार्य हो गया और पानी यह कारण हो गया। उसके बाद समुद्र यह कारण हो गया और लहरें कार्य हो गया, तो इसमें कार्य कारण भाव निर्माण हो गया। तो क्या लहरों की सत्ता बिना समुद्र के हो सकती है? नहीं। तो लहरें क्या है? समुद्र ही है। अच्छा, क्या समुद्र की सत्ता पानी की सिवा हो सकती है? नहीं। तो समुद्र क्या है? पानी ही है। तो दो कारण हो गए, एक बीच में का कारण और एक अंतिम कारण। तो यह जो ईश्वर है जिसने जगत को निर्माण किया है, ये बीच में का कारण है, और जो ब्रह्म है वो अंतिम कारण है। माने समुद्र हो गया ब्रह्मा जी और पानी हो गया परब्रह्म। देखो ईशावास्य की श्रुति कहती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कम मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने ये ज्ञान लिया, विजानतः, ये अनुभव कर लिया है, मैं ही सब कुछ हूँ, उसके बाद किससे द्वेष करेगा, किसके दोस्ती करेगा,
कोमोहा कश्योकः एकत्व मनुपश्यतः, जिसने इस एकत्व का दर्शन कर लिया है उसके लिए शोक मोह अपना पराया ये सब गणित एकदम हमेशा के लिए शांत हो गया। इसीलिए सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मात्मना स्थितम। उपासना में भावना का प्राधान्य होता है और ज्ञान में चिंतन का प्राधान्य होता है और कर्म में क्रिया का प्राधान्य होता है। तो हमारे व्यक्ति के तीन व्यक्तित्व के तीन भाग हैं, एक क्रियात्मक है, एक भावनात्मक है और ज्ञानात्मक है। जो क्रियात्मक भाग है उसके लिए हमको बताते हैं कि आप भगवान को ले लो, उनको नहलाओ पिलाओ, उनको दूध पिलाओ, सब करो। तो हम शिवलिंग के पास जाते और फिर सब पूजा पोथी करते, वह क्रियात्मक भाग है अध्यात्म का। उसके बाद दूसरी बात आती है कि अब हमको भगवान की पूजा करनी थी, तो शिवम भूत्वा शिवम भजे, शिवो भूत्वा शिवम भजे यजेत, पहले शिव जी को अपने में आह्वान करो। देखो, बिना शिव जी का अपने में आह्वान किए शिव जी की पूजा पूर्ण नहीं होती। ये वैदिक पद्धति में इसका बहुत महत्व है। हमारे हरेक अंग में अधिष्ठातृ देवता है, पैरों में विष्णु है, हाथ में इंद्र है, कानों में दिग्देवता है, नाकों में वही अश्विनव कुमार है, देखो रसना में वरुण है, जिह्वा में अग्नि है। ये सभी देवताओं का आह्वान पहले हम अपने में करते हैं। तो देवो भूत्वा देवम यजेत, फिर जाकर के हम भगवान की यजना या पूजा करते हैं। तो ये हो गई दूसरी स्थिति भावात्मक। तो पहली हो गई क्रियात्मक, दूसरी हो गई भावात्मक, अब तीसरी होती है अनुभवात्मक। ये करते करते धीरे धीरे यह भावना इतनी दृढ़ हो जाती है, जैसे हमने उद्दालक मुनि की बात बताई, उनकी भावना इतनी दृढ़ हो गई थी अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या हो गया, जिसमें दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो गया, जिसमें दृग दृश्य का भेद समाप्त हो गया, जिसमें द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं है, जो निर्द्वंद्व और निर्द्वैत अनुभूति है वो हमारा अंतिम अनुभव है। इसीलिए यहाँ कहते हैं सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म ब्रह्मम सर्वात्मना स्थितम। हम भी परमात्मा स्वरूप है और दुनिया भी परमात्मा स्वरूप है। इसको कहते वेदांत डिन्निवा। और इसीलिए न कार्यम कारणात् भिन्नम। तो यदि हम परमात्मा स्वरूप है तो यह जगत भी परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। ये बिल्कुल सरल गणित है। इति वेदांत डिन्निवा। तो साधना क्या हो गई, कार्य से निकल करके कारण की ओर चल पड़ना, ये साधना है। कार्य क्या है, लहर है। कारण क्या है, समुद्र। कार्य क्या है, समुद्र। कारण क्या है, पानी। ये बाहर का उदाहरण नहीं है, अब अपने में आ जाओ। ये हम आपको जो टेक्निक बताते हैं ना, इसको करके देखो महाराज, बहुत फर्क पड़ेगा जीवन में। रूप रंग कार्य है, कारण दृष्टि। शब्द कार्य है, श्रवण शक्ति कारण है। माने विषय कार्य है और इंद्रिय कारण है, पहली बात। दूसरी बात, कार्य हमेशा स्थूल होता है, कारण हमेशा सूक्ष्म होता है। तीसरी बात, कार्य हमेशा व्यक्त होता है, कारण हमेशा अव्यक्त होता है। ध्यान से सुनना, कार्य कारण मिथ्या, लेकिन कार्य कारण सत्य नहीं है। कैसे, रूप रंग के कारण दृष्टि की सिद्धि होती है और दृष्टि के कारण रूप रंग की सिद्धि होती है, तो कौन किसके कारण है,
तो इन दोनों का जो अधिष्ठान है वो सत्य है, तो फिर हम विषयों का भी त्याग कर देंगे, इंद्रियों का भी त्याग कर देंगे। दोनों का कारण क्या है? वो है मन। मन पे पहुंच गए। होता है ना कई बार जब अपना मन नहीं होता, इधर उधर भटकता है, हम बैठे सुन रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हमको अनेकता से एक की ओर बढ़ना है, कार्य से कारण की ओर बढ़ना है। तो विषय से निकले इंद्रिय में आए, इंद्रियों से निकले मन में आए, मन के राग द्वेष से निकलना और बुद्धि में आना, कैसे? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्ट्या मुमुर्मुहु, विषयों में दोष देख करके उसके प्रति राग द्वेष का त्याग करके जीना, यह विवेक की प्रक्रिया है। विवेक होता है बुद्धि में, तो मन से हट करके बुद्धि में आए तो हमारा जीवन विवेकपूर्ण होगा। और ये विवेकपूर्ण जीवन जीते जीते धीरे धीरे ये समझ में आता है कि बुद्धि के दो अंश है, एक है प्रकृति का और दूसरा है परमात्मा का बुद्धि वृत्ति में पड़ा हुआ चिदाभास प्रतिबिंब। चिदाभास के कारण यह जड़ प्रकृति का भाग सचेत हो जाता है, उसी को चेतना कहते हैं। ये चेतना भी प्रकृति में ही आती है। 13वें अध्याय में देखो भगवान कहते हैं सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। क्षेत्र क्या है? तो उसमें चेतना, लाइफ जो है ये भी प्रकृति में ही है, ये परमात्मा में नहीं है। परमात्मा तो जड़ चेतन के परे है। देखो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम बुद्धि से हट करके अब यहाँ हमको निर्णय लेना है। दो मार्ग है, या तो हम प्रकृति में जा करके सो जावे, या तो नींद को बायपास करके यह जो चिदाभास है यह चैतन्य में मिल जाए। इसको ऐसा समझ लो, आप समझो ये दर्पण है, हम देख रहे हैं दर्पण को, हमारा प्रतिबिंब इसमें है। अब ये प्रतिबिंब युक्त दर्पण का कैसा दर्शन करेंगे? इस दर्पण में दो बातें हैं, एक दर्पण जो जड़ है इसमें प्रतिबिंब, यदि बिंब हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता है, तो प्रतिबिंब भी चेतन सा लगता है, चेतन नहीं है वो, क्योंकि है ही नहीं। अब यदि हमने इस दर्पण को हटा दिया तो दर्पण तो दर्पण के जगह चला गया, प्रतिबिंब कहाँ गया? जहां से निकला था वही जाएगा ना। इसी प्रकार से चिदाभास जो है फिर चैतन्य में मिल जाता है। ये न जानने के कारण कितने साधक लोग ध्यान के लिए बैठते हैं और थोड़े समय के बाद जब थोड़ा थोड़ा मन शांत हो गया और ऐसी स्थिति पहुंच गई कि बुद्धि के विक्षेप शांत हो गए, तो बुद्धि को या मन को प्रकृति में ले जाने का स्वभाव बन गया है, जहाँ मन शांत हो गया सो जाओ, ये ध्यान के लिए बैठेंगे और देखा है ना आपने। हमको एक बार किसी ने पूछा था, हम मेडिटेशन कभी नहीं करते, तो स्वामी जी हमने ऐसा एक मेडिटेशन का कोर्स किया था, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, बाप रे उसमें आपको क्रश कर डालते। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे तो कई लोग ऐसा ऐसा करते थे, ये क्या है ये? हमने कहा इसको कहते झटका मेडिटेशन, नींद है महाराज वो मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। आपका मन शांत है, शांत मन को सोने का अभ्यास हमने कितने सालों तक किया है। मन शांत हो गया सो गए? नहीं, मन शांत हो लेकिन नींद नहीं, तब यह जो चिदाभास है यह चैतन्य में वापस चला जाएगा। देखो तब हम पहुंचेंगे कहाँ?
निर्विकल्प समाधि में। कैसे? क्योंकि चिदाभास चैतन्य में चला गया और बुद्धि में या मन में विकल्प नहीं है, इसीलिए यह हो गई निर्विकल्प समाधि। इसका विश्लेषण ठीक से समझ लेना। तो सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मात्मना स्थितम, न कारणम न कार्यम कारणात् भिन्नम इति वेदांत डिंडिमः। इस प्रकार से दूर से अपने पास आ जाना। देखो, इंद्रिय विषय दूर है, इंद्रिय नज़दीक है। इंद्रिय दूर है, मन नज़दीक है। मन दूर है, बुद्धि नज़दीक है। बुद्धि दूर है, चेतना नज़दीक है। चेतना दूर है, परमात्मा हम है। कठोपनिषद फिर से, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। ये 8 स्टेजेस है भगवद गीता में, गिरने की 8 स्टेज बताई है ना। 8 सीढ़ियों से गिरो और 8 सीढ़ियों से उतरो, ऊपर उठ जाओ। गिरने की सीढ़ियाँ कौन सी है? ध्यायतो विषयान पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात हरिओम। और यहाँ भी वही है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। ये शब्द जो पर है, इसकी व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने की है। पर माने प्रत्यक, देखो, पर माने सूक्ष्म, पर माने अंतिम या कारणात्मक। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब इन मंत्रों में एकदम अर्थ प्रकट होता है। अच्छा महाराज, 35वें श्लोक में आते हैं, सत्ता स्फुरण सौख्यानि भासन्ते सर्ववस्तुषु, तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। सत्ता स्फुरण सौख्यानि सच्चिदानंद भासते भासन्ते सर्व वस्तुषु, सभी में ये 3 बातें सामान्य हैं। एक श्लोक में आता है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम्। कोई भी वस्तु ले लो आप, उसमें ये 5 बातें हैं, अस्ति सत्ता, भाति ज्ञान, और प्रिय आनंद, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, नाम और रूप। इसमें से आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, सच्चिदानंद ब्रह्म है, नाम रूप जो है यह जगत रूपम, वो जगत है। तो जगत की परिभाषा क्या है? ब्रह्म पर नाम रूप की उपाधि चढ़ने के बाद जो निर्माण होता है उसको जगत कहते हैं। और आप देखेंगे पूरी दुनिया के चक्कर किसमें है, अपना नाम अमर हो जाए, अपना रूप अमर हो जाए, तो फिर हम अपने ही नाम का एक स्टैचू बना करके लगा देते हैं और स्वयं ही जाकर इसको उद्घाटन करते हैं। कारण क्या है कि नाम रूप सत्य है। देखो महाराज, नाम रूप मिथ्या, नाम रूप का कोई अर्थ नहीं, यही जगत है। तो ध्यान किधर रखना है? सत्ता स्फुरण सौख्यानि, सब में जो एक सामान्य सत्ता है, जो सब में सामान्य ज्ञान है, जो सब में सामान्य आनंद है, वह अपना स्वरूप है। वासन्ते सर्ववस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयम् सर्वम्। अब यह जो ब्रह्ममय परमात्मा हम में भी होगा, उसमें उसके कारण अब यह ब्रह्म प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके जेब में पैसे हो लेकिन निकल नहीं रहे, तो क्या करेंगे पैसों का? निकलने भी तो चाहिए ना,
पैसे हैं, नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन देखो मुझे बड़ी प्यास लगी है, नहीं देखो यहाँ पानी बहुत महंगा मिलता है, ऐसा करते घर जाके पियेंगे, लेकिन मैं अब मर रहा हूँ तो भी पानी का संबंध ही छूट गया, मरो, पैसे निकालो ना। इसी प्रकार से ज्ञान है, प्रकट होना चाहिए ना, नहीं तो उस ज्ञान का क्या करेंगे। सौ सत्ता स्पूर्ण सौख्यानी मासंते सर्व वस्तुषु, इस परमात्मा को प्रकट होने दे। कैसे प्रकट होने दे, ध्यान से सुनना। हमारे माध्यम से सत्ता जब प्रकट होती है तो कैसे होती है, हम जीते हैं और अन्य को जीने देते हैं। ऐसे नहीं अब जी के क्या करेंगे और मरते भी नहीं। देखो महाराज, किसी भी हालत में अपने मृत्यु की कल्पना भी हमारे मन में स्पर्श कर गई तो समझ लेना अभी हम कच्चे घड़े हैं। किसके भी मृत्यु की खबर हमने सुनी और उसके बाद यदि मन में एक क्षण भर भी ये विचार आया, यार लगता है अपना का भी नंबर आने वाला है, तो आज तक जितना वेदांत का अध्ययन किया सब गंगा जी में बह गए। मृत्यु असंभव है, कोई नहीं मरता, इसीलिए महात्माओं के मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, सेलिब्रेशन है, रोते नहीं। देखो इसलिए सत्ता स्पूर्ण सौख्यानी, हम में से सत्ता प्रकट होवे तो हम जिए और अन्य को जीने दें। सत्ता स्पूर्ण ज्ञान, हम किसी से धोखा न खावे और किसी को धोखा न दे, कितनी सरल बात है। और तीसरी बात सौख्यानी, हम खुश रहे किसी को दुखी ना करें और किसी को सुखी करने का भी प्रयत्न ना करें। कई लोग दुखी इसलिए होते, देखो हमने उनके लिए इतना अच्छा किया कि उनको अच्छा लगे, उनको गुस्सा आ गया, और तुम क्यों परेशान होते हो। एक बार समझ लेना, इस दुनिया में भगवान भी सबको खुश नहीं कर सके और आप और हम खुश कर पाएंगे। देखो संतो, निकल जाओ इस चक्कर से, तब जाकर के आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे। सत्ता स्पूर्ण सौख्यानी भासन्ते सर्ववस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम्, सर्वम् खल्विदं ब्रह्म, इसीलिए संपूर्ण विश्व केवल परमात्मामय है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। ये कब होगा, देहाभिमाने गलिते, माने केवल यही देह मैं हूँ, इस भ्रांति से हम निकल गए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, अपने स्वरूप को पहचान लिया। फिर यत्र यत्र मनोयाति, जहाँ भी जाओ मौज में रहो, बस ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, इस सिद्धांतों को लेकर के चलो तो जीवन बड़ा सरल बनता है। तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। 36वां श्लोक, घटकुट्यादिकं सर्वम् मृत्तिकामात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत् सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। देखो अपने वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को कहते हैं, ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, माने उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है, माने मिट्टी भी परमात्मा है और कुमार भी परमात्मा है। उपादान कारण हो गए मिट्टी, और मिट्टी अपने आप घट नहीं बनेगी, कुमार चाहिए, तो कुमार हो गया निमित्त कारण। तो यहाँ कहते हैं घटकुट्यादिकम सर्वम मृत्तिकामेव, तो यहाँ उपादान कारण के दृष्टि से बता रहे हैं। और इस कारण से अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। जब हम अपने भारतवर्ष के तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारत को हाथ नहीं लगाते, झंडे को हाथ लगाते, क्योंकि
ये तिरंगे झंडे का जन्म 1 तारीख में हुआ था। पता नहीं कब तक रहेगा तिरंगा झंडा, हो सकता है पचरंगा हो जाएगा अचार के जैसा, पचरंगा अचार, हु नोज, या दो चार रंग और आ जाएंगे, कोई भरोसा है क्या? कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो हम साक्षात शिवजी को हाथ लगाते हैं। है हिम्मत इसको स्वीकार करने की? तब जाकर के हमने ये श्लोक का अर्थ समझा है, क्योंकि उपादान कारणी जगत का वही परमात्मा है जो निमित्त कारण है। देखो तो जैसे उदाहरण यहाँ दिए उन्होंने कि घटकुड्यादिकम सर्व मृत्तिका मात्रमेव च, जितने भी मिट्टी के बर्तन हो वो मिट्टी ही है, तथा ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत निर्णिमा, इसलिए जगत में जो भी कुछ है परमात्मा ही है। इसीलिए हमारे धर्म में नदी को भी भगवान माना है, पेड़ को भी भगवान माना है, पत्थर को भी माना है, वायु को भी माना है, आकाश को भी माना है। चिदंबरम शिवजी का जो मंदिर है आकाश लिंग है। इस प्रकार से ये संपूर्ण विश्व परमात्मामय है। अब यदि हम साधना कर रहे हैं और ये बात हमारे हृदय में उतर गई तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। एक बार वृंदावन की बात है, हम बैठे बैठे आराम से मस्ती ले रहे थे, 10-12 लोग बैठे थे सामने, कोई गा रहा था भैर, हम मस्ती में बैठे। उतने में एक सज्जन आ गए, दरवाजे को खाट से खोला, शांति से नहीं, चप्पल ऐसे फेंक दी पैर से निकाल करके। आप देखा कई लोगों का ये स्वभाव होता है, वो साइड में जाकर के नहीं रखते चप्पल, ऐसे रास्ते में फेंक देते दरवाजे में, वैसा उन्होंने किया। फिर सबको लताड़ते लताड़ते हमारे पास आए, हमको नमस्कार किया। महाराज, हमने कहा आगे बोलने के पहले सुनो, क्या आप वापस जाओ, जूते ठीक से रखो, दरवाजे को जो तुमने धक्का मारा है दरवाजे को माफ़ी मांगना, और जिनको लताड़ते आए हैं उनके चरण छूना, और यहाँ आने के बाद मेरे चरण पर छूना, दूर रहना। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा देखो अध्यात्म का तात्पर्य सावधानी की पराकाष्ठा, कितनी महत्व की बात है। तो जब हमको ये होगा स्पष्ट कि समझो कोई भगवान का चित्र सामने है, ये भगवान का चित्र नहीं, ये साक्षात भगवान है, इसको ऐसा समझ लो। एक छोटी सी स्कूल थी, बच्चे अपने गड़बड़ कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, लड़के लड़कियां हो गए कोई 5-6 साल के, KG 1 KG 2 के, तो गड़बड़ चल रही थी। उतने में एक बच्चे ने कहा हे मिस आ रही है, तो जैसे कहा मिस आ रही है तो सब बच्चे शांत होकर बैठ गए, क्योंकि अब टीचर आ गई है, चुप। अब ये उदाहरण समझ में आ गया, अब लगाओ, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे दीवार हो, चाहे फैन हो, सब हमको देख रहे हैं, और यही भगवान है। जब हम इस अवेयरनेस में आ जाएंगे, जब हम इतने सावधान हो जाएंगे, तो 3 बातें होगी। एक, हमारे माध्यम से गलत कर्म नहीं होगा, हमारे माध्यम से अपशब्द का उच्चारण नहीं होगा, और हमारे मन में दुर्विचार नहीं आएंगे। क्यों? कि कोई देख रहा है। देखो महाराज, मनुष्य के जीवन का जो दर्जा है, क्वालिटी है, उसका पता चलता है जब हम अपने घर में, अपने कमरे में अकेले हो, कोई नहीं है, उस समय देखो अपने आप को क्या स्थिति है हमारी, हमारे मन की। ये समझाने के लिए यहाँ ये उदाहरण दिया है।
घटकुट्यादिकं सर्वं मृत्तिकामेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वं। तो यदि चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है तो हम भी उसी में तो है, हम कहाँ बाहर है। तो यदि हमारे परमात्मा स्वरूप को पहचाना है तो किसी से राग द्वेष होने की संभावना शून्य हो जाती है। अवस्था तृतयम यस्य क्रीड़ा भूमितया स्थितम तदेव ब्रह्म जानीयात इति वेदांत डिंडिमः। अब पहले हमने 36वें श्लोक ने उपादान कारण के दृष्टि से ब्रह्म को पहचाना, अब निमित्त कारण के दृष्टि से पहचानना है। तो कहते अवस्था त्रितयम यस्य क्रीड़ा भूमि, यस्य त्रितयम अवस्था क्रीड़ा भूमि स्थितम। तो जो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जिसका खेलने का स्थान है, देखो माने वही है जागृत में, वही जागृत पुरुष बनता है, स्वप्न में वही स्वप्न पुरुष बनता है, सुषुप्ति में वही प्राज्ञ बनता है। जैसे पिताजी के सामने वही आदमी पुत्र बना, पत्नी के सामने वही आदमी पति बना, पुत्र के सामने वही आदमी पिता बना, तो क्या वो तीन बना? दुखी कौन होते हैं ये तीन? पुत्र दुखी है पिता के कारण, पति दुखी है पत्नी के कारण, और पिता दुखी है पुत्र के कारण। हम कुछ नहीं कर सकते, कारण क्या है वो है ही नहीं। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, जैसे हम अपना शर्ट निकाल के रख सकते हैं वैसे आदमी अपने पति को हटा दे यार, नहीं। कारण क्या वो है ही नहीं। इसी प्रकार से यह जागृत पुरुष स्थूल अवस्था स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो जागृत पुरुष, इसके साथ तादात्म्य खत्म हो गया तो जागृत पुरुष कहाँ गया? फिर मन के विकारों के साथ तादात्म्य हुआ तो स्वप्न पुरुष पैदा हो गया, स्वप्न खत्म हो गया तो स्वप्न पुरुष कहाँ गया? देखो सुषुप्ति में दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य किया तो प्राज्ञ पैदा हुआ, और नींद टूट गई तो वो कहाँ गया? ये चिंतन करो। एक ने हमको पूछा था, स्वामी जी आदमी मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? तो हमने कहा कि हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आप दो, वही उत्तर आपके प्रश्न का है। तो क्या है? हमने कहा प्रश्न ये है, बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का लाइट कहाँ जाता है? वहाँ मरने के बाद तुम जाओगे, कहाँ जाता है लाइट? चिंतन करने की बात है महाराज। लाइट नाम की कोई वस्तु हो तब ना, एक बल्ब फ्यूज हो गया उसमें लाइट नहीं, बाकी बल्बों में तो है ना, तो कौन नष्ट हुआ? तो व्यक्त हुई थी बिजली, अब जिसमें बिजली व्यक्त हुई थी प्रकाश के रूप में वो बल्ब खराब हो गया, इसीलिए वहां अभिव्यक्त नहीं हो रही है। यह मूल सिद्धांत है वेदांत का। हमने अपने आप को व्यक्ति माना है, जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह अभिव्यक्ति है, यही मूल भेद है सांख्य में और वेदांत में, योग में वेदांत में, कर्मकांड में वेदांत में, उपासना में वेदांत में। इसीलिए आपको कहीं भेजते नहीं, स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे गोलोक जाओगे भूलोक जाओगे, कहीं नहीं जाना आना, अत्र ब्रह्म समष्टुते। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गति, योग के अनुसार। लेकिन प्रभावापेयो ही योगः, लेकिन एकाध बार लगा कि हाँ बढ़िया हो गया और फिर आकर के वही विवेक वेदुनिचार शुरू हो गया, नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं
अवस्था त्रितयम यस्य क्रीड़ा भूमि तया स्थितम तदेव ब्रह्म जानीयात। भगवान 15वें अध्याय में यही कहते हैं, आप रोज पढ़ते हो, उसमें का जो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्या वेदांतकृत वेद विदेव चाहम मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। चार बातें, स्मृति स्वप्नावस्था, ज्ञानम जागृत अवस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, चकारात समाधि। मत्तः मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि है, और इसीलिए सर्वै ही वेद ही अहमेव विद्या, सभी वेदों का तात्पर्य केवल इस मैं को पहचानने में है, बाकी जानो नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो संतो, तब जा करके हमारी वेदांत की निष्ठा है, नहीं तो इस दुनिया में ऐसे फंसेंगे कि हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा। अवस्था त्रितयम यस्य क्रीड़ा भूमितया स्थितम तदेव ब्रह्म जानीयात इति वेदांत निर्णिमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।